अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मिस रोज़ के कंसीलर के बारे में। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी अपना, और जो है ना मैंने इसकी बहुत ज़्यादा हाइप देखी हुई है इंस्टाग्राम पे। अच्छा, मैंने इसको बाय किया है दराज से, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जो है ना वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज, अगर तो आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके प्राइस जो है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अच्छा जी, तो पैकेजिंग की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आला पैकेजिंग है इसकी। नो डाउट के प्राइस बहुत कम है, लेकिन पैकेजिंग अच्छी है इनकी। अच्छा, तो मैंने शेड दो मंगवाए थे, बेज वन और आइवरी सिक्स। इसके अलावा मेरा जो शेड है वो बेज वन बहुत ज्यादा परफेक्ट शेड है मेरे लिए, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो आती है वार्म अंडरटोन में, तो मैं जो है ना वो बेज वन यूज करती हूँ। अगर तो आपकी स्किन कलर जो है ना कूल अंडरटोन में आता है, तो आप जो है ना वो आइवरी सिक्स यूज करें। वैसे भी मिस रोज के फाउंडेशन हो चाहे कंसीलर्स हो, ऑक्सीडाइज जरूर हो जाते हैं। वैसे मैं बेज वन ही यूज करती हूँ हमेशा, क्योंकि वो मुझे परफेक्ट रहता है मेरी स्किन के लिए। वैसे मैंने जो है ना ये दोनों इसलिए लिए ताकि मैं दोनों को मिक्स करके लगाऊं, तो वो एक परफेक्ट जो है ना फाउंडेशन बन जाता है मेरे लिए। क्योंकि मैं ज्यादा यूज नहीं करती फाउंडेशन, तो मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते क्योंकि वो ज्यादा हैवी हो जाते हैं, तो ये दोनों जो है ना बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं मेरी स्किन के लिए। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इसकी कवरेज की। तो ये जो है ना एकदम हाई कवरेज नहीं करता, लाइक आपके थोड़े थोड़े स्कार्स हैं उनको ये हाइड कर देता है अच्छे से, लेकिन आपके अगर बहुत ज्यादा जो है ना गहरे स्कार्स हैं उनको इतना भी हाइड नहीं करता। बाकी इसकी कवरेज जो है वो मीडियम टू लो है, इतनी हाई नहीं है। तो अगर तो आप इसकी हाई कवरेज देख के ले रहे हो तो नहीं लो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है। बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस अफोर्डेबल भी है। इसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग पेजेस पे जो है ना अलग प्राइजेज होती हैं। तो मैं जो लिंक है इसका डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर तो आपको लेना है तो आप जो है वहाँ से ले सकते हो। इन दोनों को मिला के जो शेड बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, और बहुत ही परफेक्ट शेड है ये मेरे लिए। अक्सर जो है मैं शादी में कुछ इस तरह ही करके जाती हूँ, ताकि वो जो है ना एक लाइट भी दिखे और ज़्यादा हैवी ना दिखे। तो आपको जो है ना ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी आज की वीडियो थी कुछ इस तरह की, अगर तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो, प्लस आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।